आज हम नैतिक कहानी पढ़ेंगे। आज बृहस्पतिवार का दिन नैतिक कहानी का है। कहानी टीका टिप्पणी का सामना करें। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। एक साल गांव में बड़ा काम पड़ा, फसल नहीं पकी और रामू को कहीं मजदूरी भी नहीं मिली। खाने के लाले पड़ गए, मजबूर हो। ध्यान से सुने कहानी, क्वेश्चन भी पूछेंगे। बेचने का निर्णय लिया। बेटे के साथ घोड़ा लेकर रामू बाजार की ओर चल पड़ा। उसने अपने बेटे को घोड़े पर बैठाया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगा। रामू को पैदल चलता देखकर एक बुजुर्ग ने उसके बेटे से कहा, तुम्हारे पिता बूढ़े हैं, उन्हें घोड़े पर बिठाकर तुम्हें पैदल चलना चाहिए। रामू के बेटे को यह बात जच गई। उसने ज़बरदस्ती से अपने पिता को घोड़े पर बैठाया। दोनों थोड़ी दूर गए ही थे कि कुछ और पहचान वालों ने रामू की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, कैसे बाप कहानी पे ध्यान दे, बेटे को पैदल चला रहे हो और खुद घोड़े पर आराम से बैठे हो। उनकी बातें सुनकर बाप बेटा दोनों चकरा गए। रामू घोड़े से उतर गया और दोनों घोड़े के साथ पैदल चलने लगे। जरा आगे गए ही थे कि बाजू में खड़े कुछ लोगों में से एक की आवाज़ आई, वो देखो दो मूर्ख जा रहे हैं, साथ में घोड़े जाते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं, दोनों घोड़े पर क्यों नहीं बैठते। रामू और उसके बेटे ने अपनी गलती मान ली और दोनों घोड़े पर बैठ गए, बैठ कर जाने लगे। जरा दूर तक ही गए थे कि कुछ और रामू को धिक्कार कर कहने लगे, कैसे आदमी है, बेचारे जानवर को सता रहा है, हम उसकी जगह पर होते तो घोड़े को अपने कंधे पर उठा लेते। उनके कहे से कंधे पे ही उठा लेंगे, वाला दूसरे के कहे से ही काम करते रहेंगे। बेटे ने यह बात सुनी और बिना आगा पीछा सोचे घोड़े को अगले तथा पिछले पैरों से बांध कर उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते नदी दिखी तो घोड़ा लात मारने लगा। दोनों घोड़े को संभाल नहीं सके और उसके पैरों की रस्सी ढीली पड़ गई और वह भाग गया। यह पूरी घटना कुछ लोग मजे लेकर देख रहे थे, हंसते हुए कहने लगे, देखो कैसे मूर्ख है दोनों, एक घोड़ा भी ठीक तरह से बाजार तक नहीं ले जा सके। रामू और उसका बेटा निराश होकर घर लौट गए। हमारे आसपास टीका टिप्पणी करने वाले लोग भरे पड़े रहते हैं, मगर हमें व्यवहारिक रूप से चतुर होना चाहिए। दूसरों की बात किस सीमा तक माननी चाहिए, इसकी मर्यादा मालूम होना अपने शब्दों में सोच कर समझाइए, सावधानी से प्रयोग करना और इस बात का ध्यान रखना चतुरता बनती है। टीका टिप्पणी से बिना लड़खड़ाए उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उचित कारणों के लिए दी गई टीका टिप्पणी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु कारणों की वजह से होने वाले टीका टिप्पणी शांति के साथ नज़रअंदाज करना चाहिए। उससे आसान विकल्प है। यही आसान विकल्प है।